नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के भूमाफियाओं में सीएम शिवराज का खौफ इस कदर फैल गया है कि वो चूहों की तरह बिल में जाकर छिपकर बैठ गए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि उनका आलिशान अवैध अड्डा कब मिट्टी में मिलाया जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 70 दिन में ना जाने कितने भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति पर मामा का बुलडोजर गरज चुका है और माफियाओं पर यह कार्रवाई अभी भी जारी है। इसी के चलते इंदौर के खरजाना इलाके के हीना कॉलोनी में भूमाफिया दीपक मद्दा पर एफआईआर के बाद उसके कब्जे पर जेसीबी चलनी शुरू हो गई है। नगर निगम की टीम ने जमीन पर कब्जा कर बनाई गई उसकी 9 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को तोड़कर तबाह कर दिया है। हाल ही में पुष्प विहार अयोध्यापुरी के साथ ही खरजाना इलाके की हीना पैलेस कॉलोनी के जमीन घोटाले का भंडाफोड़ प्रशासन ने किया था। इसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने भूमाफिया दीपक मद्दा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध करने के आदेश भी दिए थे। तोड़फोड़ की कार्रवाई भी कलेक्टर के आदेश के बाद ही की गई थी। इंदौर नगर निगम की टीम उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में टीम हीना पैलेस कॉलोनी पहुंची तो टीम ने देखा कि जमीन कब्जा करके भूमाफिया दीपक ने बाउंड्री वॉल बना रखी है, जिसके बाद कब्जे की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को तुरंत एक झटके में ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि एमपी की जमीन से भूमाफियाओं को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश सरकार एंटी माफिया अभियान चला रही है। यह अभियान पिछले 3 महीने से जारी है और अब तक इसकी चपेट में ना जाने कितने बड़े बड़े भूमाफिया और नेता आ चुके हैं। यह अभियान इतना सख्ती से चलाया जा रहा है कि इसकी चपेट में आने से कंप्यूटर बाबा और कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद जैसे लोग भी नहीं बच पाए। इतना ही नहीं, सरकार अपराध के मामलों को लेकर इतना सख्त है कि काला बाजारियों, ड्रग्स माफियाओं और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीएम ने साफ संदेश दे दिए हैं कि जिसने भी ड्रग्स का कारोबार कर, मिलावट कर और काला बाजारी कर अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा है, उसको तबाह किया जाए। मामा ने तो अपराधियों को चेतावनी भी दे दी है कि सुधर जाओ नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। कुल मिलाकर सरकार के रवैये से साफ है कि वो प्रदेश में अपराधियों की अगले ठिकाने लगाकर ही रहेगी। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीकेंड न्यूज़ एमपी। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।